गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर्स, मेरे प्रिय छात्रों और इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, रिसर्चर्स एंड इवन द फर्स्ट टाइम व्यूअर्स, मैं सभी आप लोगों को गुड मॉर्निंग कहते हुए, मैं हूं सुरेश बाबू गौरी बिद्रोह से। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी जो इंडेक्स है, उन दोनों का एक बजट पूर्व का एक एनालिसिस करने जा रहा हूं। आप सभी को यहाँ ये एनालिसिस वीडियो से कुछ तो सीखने की अवसर प्राप्त होगा, ये समझते हुए चलिए मैं जो भी एनालिसिस कर रहा हूँ, ये रियल टाइम एनालिसिस है। आज 31 जनवरी 2023 का दिन है, बजट पूर्व का सेशन है, कल बजट होने वाला है। उससे पहले मार्केट में आप बर्ताव देखिए, उछाल चढ़ाव होता ही जा रहा है। इसको हम लिक्विडिटी ज्यादा होने की वजह से हम ये भी कह सकते हैं, मार्केट में वॉलिटिलिटी बहुत बढ़ गई है। आप जहां बुक करना चाहते हैं, मतलब जो भी आपने मतलब परचेज किया है, बाई किया है, आप सेल करना चाहते हैं, स्पेशली वही कॉल और पुट में, मतलब डेराइवेटिव सेक्टर में, बहुत बार ऐसा होता है बुक कर नहीं पाते हैं, इसीलिए मार्केट ऑर्डर ही बेचना पड़ता है। आप देखिए, ये तो बहुत बढ़िया अवसर है, लेकिन मुझे यह बताने दीजिए, मैं कोई सभी रजिस्टर रिसर्चर एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं यहाँ जानकारी रखता हूँ मार्केट में, 2004 से मार्केट में हूँ। हर दिन मार्केट का इंडेक्स का एनालिसिस मेरे मन में चलता है। एक महीने से मैंने ये कोशिश किया है, यहाँ मतलब यूट्यूब चैनल बनाओ, मेरा यूट्यूब चैनल है SSD बेंचमार्क। अगर पहली बार आप देख रहे हो, प्लीज चैनल को पहले लाइक करो, बाद में सब्सक्राइब करो, उसके बाद में एक घंटी का जो निशान है उस पे क्लिक करो, और आपको जो भी नोटिफिकेशन फ्यूचर में मतलब मेरा वीडियो की तरफ से पहुंच जाएगा, और बाकी लोगों को भी बताइएगा, और आपका कमेंट जो है कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको चार्ट के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। मैं समझता हूँ आप चार्ट देख रहे हैं, है ना? ये तो निफ्टी का है और 15 मिनट्स का मैंने टाइम फ्रेम रखा है। ये जो कल की जो ट्रेड थी, मतलब कल का 30 तारीख जो भी हुआ मार्केट में, सो उसका असर आप देख रहे हो। हमारा यहाँ एक स्ट्रेटजी बनता है, एक 15 मिनट की एक कैंडल पे स्ट्रेटजी बनता है। आज भी जब मार्केट खुलेगा, तुरंत डिसाइड नहीं कीजिएगा आप CE खरीदोगे या PE खरीदोगे, क्योंकि मार्केट में हलचल मच रहा है, सो आपको पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ मतलब टिके रहेंगे, या आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, क्योंकि इतना उछाल और चढ़ाव मार्केट में देखने को मिल सकता है आपको। हमारा स्ट्रेटजी क्या है,
हमारा स्ट्रैटेजी 15 मिनट का कैंडल स्टिक लेना है, और पहले 9:15 से 9:30 तक एक कैंडल बनने दीजिए। जब भी वो कैंडल, ये कल की लास्ट कैंडल का हाई जो था 16,668, और लो जो था 17,644, सॉरी हियर 17,667, 17,646। ओके, तीन तरफ से मार्केट खुलने की चांसेस है। ये एक जो है फ्लैट खुलेगा, और फ्लैट के खुलने के बाद में ऊपर जाने लगेगा। दूसरा तरफ, दूसरा स्ट्रेटजी ये बन सकता है, फ्लैट खुलेगा, फ्लैट खुलने के बाद में 17,646 के नीचे मार्केट लुढ़कने लगेगा। और तीसरा चांस बहुत कम है, जहां खुला है वहीं बंद होने का चांसेस भी रहता है, वो तो फ्लैट मार्केट है। सो कल एक दिन का चार्ट देख लेते हैं, आपको कुछ पता चलेगा। सो लेट मी टेक वन डेज चार्ट। अब देखिए, यहाँ जो मैंने मार्क किया है, सो ये जो ग्रीन का जो कैंडल बना है, एक दिन का चार्ट, यहाँ देखिए, यहाँ देखने से आपको पता चलेगा है जो था 17,707 कल का, और लो जिसने बनाया 17,396 का। इसका मतलब करीब करीब 300 पॉइंट का मोमेंटम था कल में, कल मार्केट में, आपको पता भी नहीं चला। 300 पॉइंट गिनती कर लीजिए, 300 पॉइंट एक दिन में अगर मूव हो रहा है, इसका मतलब आपको चांस ही नहीं मिलने वाला है प्रॉफिट बनाने की। ठीक है, आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, प्रॉपर एनालिसिस खुद की तरफ से कीजिए, और उसके बाद में आप डिसीजन लीजिए। हम जो भी मैं जो भी यहाँ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है। ठीक है, एजुकेशन पर्पस से ये वीडियो बन रहा है, ताकि आपको मार्केट समझ में आए, स्पेशली ये टेक्निकल एनालिसिस जो है। इसीलिए आपका मतलब मार्केट से ज्ञान होना आपको सख्त जरूरत है, उससे भी ज्यादा आपको प्रॉफिट बनाने से भी ज्यादा नुकसान को रोकने की जो जो भी स्ट्रेटजी है आपको करना चाहिए, नहीं तो मार्केट आपसे आपको एक एक साल के अंदर में बाहर कर देगी, मार्केट कर देगी। इसीलिए मार्केट को पता है क्या करना है, कब करना है, ऊपर कब जाना है और नीचे कब जाना है, आपको नहीं पता रहता है, इसीलिए एनालिसिस की जरूरत रहती है। ठीक है, सो ये जब भी क्रॉस होगा 17,707, आपको आराम से सीई पे बैठ जाना चाहिए। एक सीई खरीदो, मैं जब लिख रहा हूँ देखिए, यहाँ एक सीई खरीदो और आप आराम से सी खरीदने के बाद में, ठीक है, आपको यहाँ तक और उसके भी बाद में यहाँ तक, मतलब 17,841 फर्स्ट टारगेट होगा और 18,073 सेकेंड टारगेट होगा, कंपलसरी मिलने वाला है आज। इसका मतलब 17,700 से 18,000 तक आपको करीबन 300 पॉइंट का यहाँ रैली देखने को मिल सकता है। ठीक है, आज मिले या कल मिले, 100% मिलने वाला है, क्योंकि ये जो कैंडल है हरा भरा है, ये तो चांसेस ज्यादा है। अगर इससे भी नीचे निकल जाए, सो फॉर एग्जांपल क्या है इसका लेवल 17,404, अगर उससे भी नीचे चला जाए मार्केट, कहाँ टच कर सकता है आप देख लीजिएगा, यहाँ तक भी जा सकता है। ठीक है,
मैं इधर पॉइंट ड्रॉ करके दे सकता हूँ। ये जो लेवल है, मतलब 16,898 लेवल भी टच कर सकता है। ओके, सो ये तो पीई लेने से, मतलब जब भी 17,400 लुढ़केगा तब आपको पी पे बैठना चाहिए। आप समझिए, जो भी अगर प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, आप हमेशा इन द मनी, इधर कॉल इन द मनी पुट खरीदना चाहिए। ये एक दिन का एनालिसिस है, ये 15 मिनट का एनालिसिस देख लीजिए। 100% आप आज और कल, ठीक है, अगर आप पैसे बनाने के लिए सोच रहे हैं, आराम से बना सकते हैं। लेकिन लालच लालची मत बनिएगा। जितना भी 20 पॉइंट या 30 पॉइंट, 50 पॉइंट जो टारगेट होगा, 100 पॉइंट्स भी टारगेट होगा, आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन आपको सही तरह से डिसीजन लेना होगा। ये तो निफ्टी हो गया। लेट अस सी द बैंक निफ्टी के बारे में देख लेंगे। ये 15 मिनट की चार्ट है, आखिर जो है बना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो कैंडल बनी है, 15 मिनट का कैंडल, कल की जो मार्केट क्लोजिंग 3:15 से 3:30 के अंदर एक कैंडल बन गया है, ये रेड कैंडल बना है। इससे पहले देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 करीब 1.5 घंटे मार्केट में पॉजिटिव था। इसका मतलब यही है, पॉजिटिव पकड़ने वाला है। अब आराम से जब ये 9:30 के बाद में आपको कंफर्म हो जाएगा, यहाँ आप आराम से सीई पे बैठ सकते हैं। और आप करीबन देखिए यहाँ तक आराम से तो आपको मिल जाएगा। लेट मी मार्क दिस लेवल, 40,800 लेवल तक आपको आराम से मिल जाएगा। ये 15 मिनट में देख रहा, मतलब आप अपनी ओर से स्ट्रेटजी बनाइए। आज तो बुलिश होने वाला है ऐसा लग रहा है, लेकिन एक दिन है ना बजट के लिए। बजट के पूर्व में जो भी बन रहा है, मार्केट सख्त बन रहा है, एक तरफ बन रहा है। सो 2 दिन इससे पहले मार्केट करेक्शन में करेक्शन कर रहे थे, मतलब इसका मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो रहा था। अभी प्रॉफिट बुकिंग कम हो गया। सीजी खरीदने से आपको जरूर पैसे बन सकता है। सो ये तो एक तरीका है। और दूसरा तरीका, मार्केट नीचे भी पलट सकता है। अगर नीचे पलट गया, ये भी कह नहीं सकते, इसीलिए आप इस लेवल को मार्क कर लीजिए। जब भी 39,415 क्रॉस कर देगा, आपको आराम से पीई पे बैठ जाना चाहिए। पीई पे बैठ जाइए और करीबन 200 पॉइंट तक आप आराम से प्रॉफिट और मुनाफा कमा सकते हैं। ये तो मेरे को लगता है। एक दिन का चार्ट भी देख लेते हैं, एक दिन का चार्ट क्या कहता है। सो एक दिन का चार्ट, ये बैंक निफ्टी का, इधर मैं मार्क कर दिया हूँ। सो हाईएस्ट था 40,788 और लोएस्ट था 39,366, करेक्ट। सो ये जब भी क्रॉस हो जाएगा, आप आराम से सीई पे बैठ जाइए। 40,820 अगर क्रॉस करेगा, आराम से बैठ जाइए। वहां से आपको करीबन 300 पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ नीचे में भी 300 पॉइंट तक आपको मिलने की संभावना है। मैं इतना समय यहाँ, आपने मतलब इतना समय दिया मेरे को, इसीलिए मैं आप सभी को धन्यवाद प्रकट करता हूँ। ये मैं एनालिस्ट सुरेश बाबू हूँ, गौरी बिद्नौर और कर्नाटक से। सभी को धन्यवाद।